गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब एंड टुडे दिस इज लास्ट सीरीज ऑफ क्लोज टेस्ट पैसेज एंड आई होप यू हैव जस्ट इंस्पायर्ड डूइंग दिस कैन ऑफ सीरीज एंड टुडे आल्सो यू विल टेक इंस्पायरमेंट डूइंग दिस कैन ऑफ लास्ट सीरीज ऑफ क्लोज टेस्ट. सो लेट्स बिगिन द लास्ट सीरीज. This is the series. This is the passage of closed test. Before going ahead, I would like to tell you, कल से मेरा practice set का batch मैं start कर रहा हूं YouTube पे. 8 बजे से ये भी शुरू होगा आपका. और इसमें सबसे बड़ी चीज है, जो बच्चे PQRS करना चाहते हो, comprehension करना चाहते हो, क्लोज टेस्ट करना चाहते हो, कॉमन एरर्स करना चाहते हो, सेंटेंस फिलर्स हैं आपके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इवन नरेशन के क्वेश्चंस हैं, वॉइस के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं कराता रहूंगा. और ये रेगुलर चलेगा, क्योंकि इसके द्वारा अगर आप 25 क्वेश्चंस पर डे अगर आप करते हैं तो बहुत ही जरूरत से ज्यादा आपको फायदा होगा. वैसे जरूरत से ज्यादा क्या, जितना हो जाए उतना ही आपके लिए बेहतर है, बट बहुत फायदा होगा. अगर आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो पर डे, कल से पर डे 8 बजे आप रहिए मेरे साथ, सॉल्व करिए एक एक प्रैक्टिस सेट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पर, अपने अनुभव पे बनाया है, जो आपके सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में जबरदस्त आपके काम आएगा. चलिए फिलहाल आज शुरू करते हैं अपना क्लोज टेस्ट का आखिरी 2 पैसेज. ये सामने है आपके द एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट. Extraordinary sight means extraordinary असाधारण sight, you know, दृश्य. तो the extraordinary sight of a lake in Bengaluru on fire with a massive dash of smoke that could be seen from afar. Afar means दूर से. Is a dash sign that urban environments are crashing. Dash the weight of official dash. If wetlands are the kidneys of the cities, as scientists like to describe them, Karnataka's capital city means Bengaluru. Karnataka's capital city has entered a phase of dash failure. ये फैसला आप समझ रहे होंगे. बेंगलोर की या बेंगलुरु की जो कहते हैं ना चिंताजनक स्थिति है, उस पर आपको ये पूरा क्लोज टेस्ट का पैसेज आपको दिया गया है. फिर से देखते हैं यहां से. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट ऑफ अ लेक, यानी उस लेक का जो असाधारण दृश्य था इन बेंगलुरु ऑन फायर, जो ऑन फायर मीन जिसमें आग लगी हुई थी, विद अ मैसिव डैश ऑफ स्मोक, जिसमें बहुत अधिक धुआं, धुएं का गुबार उठा हुआ. तो विद अ मैसिव चेन ऑफ स्मोक, विद अ मैसिव प्लम ऑफ स्मोक, विद अ मैसिव एक्स्यूम ऑफ स्मोक, या विद अ मैसिव बलून ऑफ स्मोक. क्या सही, यहां आपको याद होगा वो जो कलेक्टिव नाउन से संबंधित मैं अपनी सीरीज कराता था, उससे संबंधित ये चीजें हैं आपकी दी गई हैं कि हमें कौन सा कलेक्टिव नाउन का ग्रुप टर्म यहां पे यूज करना होगा. वो ग्रुप टर्म चेन होगा, चेन ऑफ स्मोक होता हो ये हो जाएगा. वो ग्रुप टर्म प्लम होगा, प्लम ऑफ स्मोक होगा तो ये हो जाएगा. एक्ज्यूम तो नहीं बोलना चाहिए. एक्ज्यूम क्या होता है, इफ यू आर डिगिंग आउट समथिंग और यू आर डिसेंट्रिंग, मीन्स कोई चीज आप खोद कर निकाल लें, स्पेशली कोई डेड बॉडी होती तो आपसे एक्ज्यूम करते हैं. बलून का कोई मतलब नहीं, यहां पे बलून ऑफ स्मोक नहीं हो सकता है. तो दो में से एक चूज करना है, मतलब मैसिव चेन ऑफ स्मोक या मैसिव प्लम ऑफ स्मोक. क्या सही, अगर चेन ऑफ याद हो, चेन ऑफ माउंटेन्स होता है, रेंज ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, तो चेन ऑफ स्मोक तो नहीं होगा, चेन ऑफ स्मोक नहीं होगा, प्लम ऑफ स्मोक धुएं का गुबार, यानी यहां पे चेन एक्सियोम या बलून नहीं होगा, मैसिव प्लम ऑफ स्मोक हो जाएगा. ये कलेक्टिव नाउन है आपका जो आप धीरे धीरे सीखें. जैसे आपको कहना हो कि चोरों का दल, तो गैंग ऑफ रॉबर्स या गैंग ऑफ थीव्स हो जाता है.
मतलब वो कहना हो शिकारी कुत्तों का झुंड, तो अ हाउंड ऑफ या पैक ऑफ वुल्व्स इस तरह यूज करते हैं आप. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट ऑफ अ लेक इन बेंगलुरु ऑन फायर विद अ मैसिव प्लम ऑफ स्मोक दैट कुड बी सीन, जिसे देखा जा सकता था, उस धुएं के गुबार को देखा जा सकता था फ्रॉम अफार, दूर से ही, इज अ डैश साइन. वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट जो है इज अ डैश साइन. वो कैसा साइन है? वो वार्निंग साइन है, वो वियरिंग साइन है, वो वार्न्ड साइन है, वो बैड साइन है. कौन सा साइन? वार्निंग साइन होगा, वियरिंग साइन होगा, वार्न्ड साइन होगा या बैड? वार्न्ड साइन तो आपने नहीं सुना होगा, वार्न्ड साइन गलत है, ये नहीं हो सकता. बैड साइन हो सकता है, वेयरिंग साइन, व्हाट यू मीन वेयरिंग साइन, इसे भी लीव आउट कर देते हैं. अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, वो एक वार्निंग साइन है या बैड साइन है, क्या गलत है? कौन सा इसमें गलत है, कौन से अ वार्निंग साइन या अ बैड साइन? बहुत आसान है अगर आप अपना थोड़ा सा सेंस यूज करें. और मैं जानता हूं आप में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो यहां पे अ बैड साइन यूज करना चाहें, बट यू विल प्रूव रॉन्ग, आप गलत साबित हो जाए, क्योंकि ये वार्निंग साइन है. अब बैड साइन क्या होता है? कोई ऐसा निशान, कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसा चिन्ह जिसे देख करके आपको डर, वो अब बैड साइन है. अब शकुन के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, कोई चीज इन ऑस्पिशियस होता है तो अपशकुन होता है. लेकिन ये एक खतरे की निशानी है, एक खतरे की निशानी है वो जो अब मैसिव प्लम ऑफ स्मोक है. अगर वो खतरे की निशानी है तो अब बैड साइन नहीं होगा, और वार्निंग साइन आप हो जाएगा. यानी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट ऑफ अ लेक इन बेंगलुरु ऑन फायर विद अ मैसिव प्लम ऑफ स्मोक, याद कर लीजिएगा, प्लम ऑफ स्मोक दैट कुड बी सीन फ्रॉम अफार, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइट इज अ वार्निंग साइन, ये खतरे की निशानी है. दैट अर्बन एनवायरमेंट्स आर क्रैशिंग, कि जो अर्बन एनवायरमेंट्स है, मीन्स जो शहरी माहौल एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, आर क्रैशिंग, इस प्रकार का जो पर्यावरण वो आर क्रैशिंग, कहीं कहीं क्रैश किए जा रहे हैं. डैश द वेट ऑफ अफिशियल, किस चीज के भार के नीचे वो क्रैश किए जा रहे हैं, किस चीज के भार के नीचे? तो क्रैशिंग टू द वेट, क्रैशिंग अंडर द वेट, क्रैशिंग बिफोर द वेट, या क्रैशिंग फाथ द वेट. मैंने कई बार कहा इफ यू वांट टू सॉल्व क्लोज टेस्ट पैसेस प्रॉपरली, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस इन हिंदी, आपको उसे हिंदी में समझना होगा. अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मेथड आप सीखें, उससे फायदा होगा. क्योंकि जैसे आप यहां जाएंगे दैट अर्बन एनवायरमेंट्स आर क्रैशिंग, आप समझ जाएंगे द वेट ऑफ अफिशियल, यानी उनके भार के नीचे वो दब रहे हैं. अगर उनके भार के वो नीचे दब रहे हैं, इट मीन्स द बेस्ट आंसर इज अंडर हो जाएगा, बाकी गलत है. तो अर्बन एनवायरमेंट्स आर क्रैशिंग अंडर द वेट, किस चीज के भार के नीचे दब रहे हैं वो? अंडर द वेट ऑफ ऑफिशियल कंसर्न, यानी जो अधिकारी हैं उनकी चिंताओं के नीचे दब रहे हैं. अधिकारी इतनी चिंता करते, तो अभी देख रहे होंगे बहुत सारे पेपर्स आपके, स्पेशली जो इस तरह के यूपी पीएससी के पेपर्स थे वो आपके लीक हो जा रहे हैं, ये सब नहीं होते हो. तो ऑफिशियल कंसर्न के नीचे नहीं दब रहे हैं, ऑफिशियल लेटर के नीचे तो कतई नहीं दबने वाले, इतना भार तो नहीं होता होगा ऑफिशियल लेटर का. ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के नीचे तो नहीं दबेंगे, ये स्ट्रैक नाउन है, कैसे होगा? तो आप समझ सकते हैं किस चीज के भार के नीचे दब जा रहे हो, वो ऑफिशियल इंडिफरेंस के भार के नीचे दब जा रहे हैं. इंडिफरेंस समझते होंगे उदासीनता, अधिकारियों की उदासीनता. ऑफिशियल इंडिफरेंस के भार के नीचे अंडर वो जो अर्बन एनवायरमेंट्स हैं वो क्रैश करते जा रहे हैं, मीन्स ढहते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं. फिर से देख लें, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट ऑफ अ लेक इन बेंगलुरु ऑन फायर विद अ मैसिव प्लम ऑफ स्मोक दैट कुड बी सीन फ्रॉम अफार, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट
is a warning sign that urban environments are crashing under the weight of a facial indifference. यानी कहीं कहीं खतरे की निशानी है कि जो हमारे urban environments हैं वो अधिकारियों की उदासीनता के भार के नीचे क्या होते जा रहे हैं, crashing under, ढहते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं. If यदि wetlands are the kidneys of the cities, kidneys, you know, the important part of your body, organ. If wetlands are the kidneys of the cities, so यदि wetlands जो हैं, वो cities की kidneys हैं, kidney की तरह, मुख्य organ की तरह काम करते हैं, तो as scientists like to describe them, जैसा कि उन cities को scientists कहते हैं कि वो kidney की तरह होते हैं, wetlands. तो कर्नाटका's capital city. तो इस सेंस में वो जो सिटी है कर्नाटक का कैपिटल सिटी मींस बेंगलुरु हैज एंटर्ड अ फेज, फेज मींस चरण. तो फिर कर्नाटक का जो कैपिटल सिटी यानी बेंगलुरु जो है हैज एंटर्ड, वो प्रवेश कर चुका है अ फेज ऑफ डैश फेलियर, अ फेज ऑफ सच फेलियर, अ फेज ऑफ बिग फेलियर, अ फेज ऑफ लाइकली फेलियर. लाइकली फेलियर तो नहीं होना चाहिए आपको, अ फेज ऑफ क्रोनिक फेलियर. क्या बेस्ट है आप? अगर जो सिटीज हैं उनके किडनीज वेटलैंड्स हैं, सिटीज की जो किडनीज वेटलैंड्स हैं, कि वेटलैंड्स जो हैं वो किसी शहर के किडनी की तरह काम करते हैं जैसा कि साइंटिस्ट उनको कहते हैं, उनको उनका वर्णन करते हैं, तो कर्नाटक का जो कैपिटल सिटी यानी जो बेंगलुरु है हैज एंटर्ड अ फेज ऑफ डैश फेलियर. तो कर्नाटक का जो शहर कैपिटल सिटी बेंगलुरु है वो कहीं कहीं इस स्थिति में इस असफलता की तरफ पहुंच चुका है. कौन सी असफलता? सच फेलियर ऐसी सफलता के चरण में पहुंच चुका है, बिग फेलियर बड़ी सफलता के चरण में पहुंच चुका है, असफलता के सॉरी, लाइकली फेलियर संभाव्य तो न यूज करें, क्रोनिक फेलियर की क्रोनिक समझते होंगे कुछ ऐसी जो बहुत नुकसानदायक हो, पुरानी वो चीज क्रोनिक होती है, तो क्रोनिक फेलियर में पहुंच चुका है. किस ऑप्शन को बेस्ट समझें? मुझे पता है आप क्या लगाना चाहें, आप बिग लगाना चाहें, गलत नहीं है, लेकिन क्लोज टेस्ट में आजमाया ही जाता है. क्लोज टेस्ट यानी आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन यहां में बेस्ट, अब बेटर से या गुड से काम नहीं चलने वाला, आपको बेस्ट चूज करना होगा. तो इन तीन में से आपको बेस्ट चूज करना था, सच बिग और क्रोनिक, लेकिन यहां क्रोनिक होगा. पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि सिटीज अगर किडनीज हैं वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड्स अगर शहरों की किडनियां हैं और किडनियां क्रोनिक डिजीज फेलियर को फेस करते हैं, यानी क्रोनिक किडनी जो होती है कहीं कहीं धीरे धीरे वो खराब होती है, तो यहां पे क्रोनिक फेलियर होगा. क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर वेटलैंड्स शहरों की किडनी है तो जो कर्नाटक का कैपिटल सिटी बेंगलुरु, वो भी तो एक शहर ही है, वो जो बेंगलुरु है कहीं कहीं ऐसे फेज में पहुंच रहा है जिसकी किडनी क्या होने वाली है, फेल होने वाली है. और किडनी अगर फेल हो रही है तो इस प्रकार की डिजीज को हम बिग नहीं कहते, इस प्रकार के डिजीज किडनी संबंधी डिजीज के फेलियर को हम क्रोनिक कहते हैं, यानी क्रोनिक फेलियर होगा. यानी एक ऐसा डिजीज हो जो कहीं कहीं बहुत पुराना है और धीरे धीरे वो असफलता की तरफ बढ़ रहा है. अभी हमारे पास एक पैसेज और है, छोटा सा पैसेज है. आज मैंने ये आपको लेवल पे पैसेज दिए हैं और आप बेहतर कर सकते हैं. ये 10 पैसेज आज मेरे कंप्लीट हो जाएंगे क्लोज टेस्ट के, और कल से आपको मैंने कहा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, रेगुलर मेरे साथ रहें, जबरदस्त आपको फायदा होगा. अगर आप बेहतर नंबर्स अक्वायर करना चाहते हैं, आप एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, मेरे अनुभव पर भरोसा करें और धीरे धीरे इनको और समझते जाएं. चलिए नेक्स्ट पैसेज ये छोटा सा आपके सामने है. इंडियंस डू नॉट हैव द पेशेंस, समझ रहे होंगे भारतीयों के पास धैर्य नहीं होता है, टू फोकस ऑन अ प्रॉब्लम, कि वो फोकस यानी प्रॉब्लम पे फोकस कर सके, केंद्रित हो सके, फॉर एन डैश पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स एक समय तक, कितने समय तक आगे ऑप्शन सुन. वी डू नॉट थिंक ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द लॉन्ग, ये तो क्लियर है आगे क्या होगा, लेकिन चले, यानी जो इंस्टीट्यूशंस से हम इनके बारे में नहीं सोचते हैं कि इनका अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम रूप से इनका क्या होगा. वी डैश
when there is a crisis. जब क्राइसिस होती है तो हम ये करते हैं. But when a crisis dies, जब क्राइसिस ऐसी हो जाती है तो we lose our focus. तो उस पर जो हमारा ध्यान लगा होता है हम उसे हटा देते हैं. और ऐसा अक्सर हमारी आपकी लाइफ में होता है. As a result, जिसका परिणाम क्या होता है, we are dashed as institution building. कहीं कहीं हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में शायद कमजोर पड़ जाते हैं. ओके, लेट्स ट्राई. इंडियंस डू नॉट हैव द पेशेंस. भारतीयों के पास इतना धैर्य नहीं होता है टू फोकस ऑन अ प्रॉब्लम. कि वो एक ऐसी समस्या पे, कोई समस्या हो उसको फोकस कर सकें फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ टाइम, एन एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ टाइम, एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम या एन लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप लीव आउट करने का, एलिमिनेट करने का तरीका सीख चुके हो तो आप देख रहे हो लॉन्गेस्ट कभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, ये वजह भी आप समझ रहे होंगे. ये वर्ड एंड, एंड बता रहा है कि इसके आगे कभी लॉन्गेस्ट नहीं आया. यानी इन्हीं तीन में से आपको चूज करना है. अब अगर आपको लगता हो कि एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो अगर हम एक समस्या पर फोकस की बात कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं करें. एक्स्ट्रा मीन्स तो कोई चीज अतिरिक्त, इनको ऐसा जो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो वो एक्स्ट्रा होता है. तो यहां उसका कोई सही कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. एक्सटेंडिंग नहीं होगा क्योंकि एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा. जो मैंने कल कहा था परसों कि इंटरेस्टिंग बॉय और इंटरेस्टेड बॉय में फर्क होता है, वैसे ही एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा. तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि एक्सटेंडेड बढ़ा हुआ मीन्स और अधिक, तो पीरियड ऑफ टाइम जो समय होता है उस सेंस में हम एक्स्ट्रा का उतना बेहतर यूज नहीं करते जितना हम एक एक्सटेंडेड नहीं लोग कहते हैं उसका ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड कर देना चाहिए. हम ये नहीं कहते वो ड्यूरेशन एक्स्ट्रा कर देना चाहिए, हम उसे एक्सटेंड कर देते हैं. एक्सटेंड समझते होंगे बढ़ा देना, विस्तृत कर देना. दिस इज इफ यू आर यूजिंग अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड, और कोई बोर्ड आप यूज करते हैं उसका जो वायर होता है आप कहते हैं ना वो एक्सटेंशन बोर्ड है, क्योंकि वो बढ़ा रहा है वायर को, वो बढ़ा रहा है. दिस इज, तो इंडियंस डू नॉट हैव द पेशेंस टू फोकस ऑन अ प्रॉब्लम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. उनके पास एक्सटेंडेड पीरियड है, बढ़े हुए समय तक उस समस्या पर फोकस करने का क्या नहीं होता है, धैर्य नहीं होता. मान लीजिए कोई समस्या पे कम समस्या है आपकी, तो जैसे जैसे वो समस्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका समय बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे समय आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका धैर्य जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. दिस इज द राइटर सेज. वी डू नॉट थिंक, हम ये नहीं सोचते हैं आप इंस्टीट्यूशन, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में इन द लॉन्ग. ये तो आपने इडियम पढ़ा होगा कि इन द लॉन्ग रन होगा, इन द लॉन्ग डिस्टेंस होगा, इन द लॉन्ग टाइम होगा, इन द लॉन्ग एक्ट होगा. लॉन्ग टाइम तो नहीं होगा. तो अगर आप इडियम याद हो तो इन द लॉन्ग रन होता है, याद है आपको, इन द लॉन्ग रन में अंतिम समय अंततः. यानी वी डू नॉट थिंक ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द लॉन्ग रन, यानी एक लंबे समय तक के लिए हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं सोचते. तो कॉम्बिनेशन इन द लॉन्ग रन. वी डैश व्हेन देयर इज अ क्राइसिस. जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हम क्या करते हैं, वी लाफ, लीव आउट कर दे तुरंत. क्राइसिस में हम लाफ कैसे करें, कतई नहीं करेंगे. वी पैनिक, पैनिक मीन्स डर जाना होता है. वी पैनिक व्हेन द क्राइसिस, व्हेन देयर इज अ क्राइसिस. या वी फॉल व्हेन देयर इज क्राइसिस, हम गिर जाते हैं जब क्राइसिस आता है. वी फेल, होगा ही नहीं, हम प्रेजेंट की बात करें तो फेल कैसे आ जाए. यानी हमें चूज करना है लाफ और पैनिक में से क्या होगा. वी लाफ व्हेन देयर इज अ क्राइसिस या वी पैनिक व्हेन देयर इज अ क्राइसिस. पैनिक मीन्स डर जाना, यही होगा. वी पैनिक व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, जब संकट आता है तो हम पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं. बट लेकिन When a crisis dies, when a crisis dims, when a crisis dull, dimming or dull, क्या लगता है कभी हो सकते हैं. When a crisis dimming कभी भी नहीं हो सकता है. Matter finished करते हैं.
When a crisis dull कभी भी नहीं हो सकता, matter finish करते हैं, और when a crisis dim कभी भी नहीं होगा, matter finish करते हैं. क्यों? तो समझते होंगे crisis यहाँ पे singular use किया गया है, तो dim कैसे होगा, verb के रूप में कभी नहीं होगा, तो फिर यहाँ dim हो जाएगा, present indefinite, you can understand. तो when a crisis dims, dims means हल्का हो जाना, मध्यम हो जाना, जब वो संकट कम हो जाता है, we lose our focus, तो उस संकट पर से हमारा जो ध्यान है वो क्या हो जाता है, हट जाता है. As a result, और जिसका परिणाम ये होता है कि we are dash at institution building, कि कहीं कहीं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हम लेस हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हम गुड हो जाते हैं. आप समझ सकते हैं पैसे हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस पे होते हैं, इसका पॉजिटिव अप्रोच तो नहीं, तो गुड नहीं होना चाहिए. इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हम पुअर हो जाते हैं, या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हम लाफिंग हो जाते हैं. लाफिंग और गुड को इधर कर दीजिए, हटा दीजिए, इस लेस और पुअर में चूज करिए. क्या हो? एज अ रिजल्ट वी आर लेस एट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, या एज अ रिजल्ट वी आर पुअर एट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. बहुत आसान है. क्या होगा? वी आर लेस एट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, या वी आर पुअर एट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. लाफिंग और गुड का यहां कोई मतलब नहीं. ओके, समझ रहे होंगे आप? पुअर हो जाएगा, लेस कैसे होगा? देर इज नो कंपेरिजन. तो जाएगा एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप वी आर पुअर एट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, यानी इन लापरवाहियों के कारण इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, संस्था निर्माण में कहीं कहीं हम फिसड्डी साबित होते हैं, कमजोर साबित होते हैं, मीन्स यहां पे ओवर हो जाए. पूरा एक साथ देख लेते हैं. इंडियंस डू नॉट हैव द पेशेंस टू फोकस ऑन अ प्रॉब्लम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. We do not think of institutions in the long run. We panic when there is a crisis, but when a crisis dims, present indefinite, when a crisis dims, we lose our focus. As a result, we are poor at institution building. ये चीज हमारी पढ़ाई में भी होता है. जब एग्जाम्स आते हैं तो हम दिन रात लग करके मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हो जाते हैं हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं. एंड दिस इज रीजन जो नेक्स्ट एग्जाम हमारा होने को होता है उसके प्रति हमारी कहीं कहीं क्या नेग्लिजेंस कह लीजिए या केयरलेसनेस कह लीजिए, ये दिखाई देता है. आप रेगुलरली कहते हैं वर्ड आपने पढ़ा होगा, परसवर करना, परसिस्ट करना. जब अगर आपने डिटर्मिनेशन ले लिया कि हमको ये एग्जाम क्रैक करना है, तो जिस समय एग्जाम है उस समय जाके ना फोकस करें आप रेगुलरली परसेवरेंस शो करें आप कि नहीं हमको हर हाल में इसे बनना है. अगर ऐसा करते हैं तो आप निश्चित सफल होंगे. मैं भी चाहता हूं आप सफल हो जाएं, और इसीलिए कल 8 बजे से आपको रेगुलरली कोशिश यही रहेगी 99% मंथ में रेगुलरली मैं एक एक प्रैक्टिस सेट्स आपको सॉल्व कराऊंगा. अधिक से अधिक बच्चे आए उसका लाभ लें, अधिक से अधिक उन्हें शेयर करें, बच्चों को बताते जाएं कि कल 8 बजे से पर डे आपको प्रैक्टिस सेट्स 25 क्वेश्चंस ईच के आपको मिलेंगे, और में हर चीज रहेगा जो सिलेबस जो पैटर्न आपका सेशियल और सेचेशल का है वही पैटर्न वहां पे आपको दिया जाएगा जिसका आप एडवांटेज ले सकते हैं. ये आज फ्लोश टेस्ट का लास्ट डे मेरा था, 5-5 सीरीज में करा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स में रेगुलर कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीक्यूआरएस करा दीजिए, सर कॉम्प्रिहेंशन करा दीजिए. उसमें सब कुछ मिलेगा, आपके कॉमन एरर्स होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स होंगे, फिलर्स होंगे, सेंटेंस फिलर्स होंगे, नरेशन होगा, वॉइस होगा, स्पेलिंग एरर होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन ना हो तो क्लोज टेस्ट हो, पीक्यूआरएस होगा मीन सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, ये सारी चीजें, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड्स होंगे, इडियम्स होंगे, ये सारी चीजें आप पर डे अपना प्रिपेयर कर सकते हैं इफ यू आर रेडी एट 8 PM एक्सैक्ट 8 PM. ओके, तो आपसे पूरे सहयोग की अपेक्षा रहेगी, विश्वास है मुझे कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे जैसा कि आप करते आए हैं, जिसके बदौलत मैं यहां तक पहुंचाऊं. तो आप कल से 8 बजे मैं आपसे फिर मिलूंगा. थैंक यू.